सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जो लोग अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, हाइट बढ़ाने के लिए आपका एज मैटर करता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका ग्रोथ रेट्स क्लोज है या आपका उम्र 25 साल से ज़्यादा है, फिर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, फिर आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। चाहे आप दुनिया का कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपका एज 25 से नीचे है, आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, फिर उसके बाद आप एक अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो। अच्छा ट्रेनिंग का मतलब आप अच्छा अच्छा एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप जिम जाते हो, फिर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप हाई प्रोटीन फूड्स खा रहे हो, तो अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, फिर मैं कहूँगा कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम हैं इंडियंस, डेली हम लोग चिकन नहीं खा सकते हैं, फिश नहीं खा सकते हैं। आज शनिवार है, आज मंगलवार है, तो आज थर्सडे है, आज नहीं चलेगा। डेली चिकन खा रहे हो, डेली अंडा खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ऐसा से चीज़ सुनना पड़ता है, एंड उससे क्या होता है, हमारा बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, आपका हाइट जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जेनेटिक पोटेंशियल। आप अगर सही नहीं खाएंगे तो जो आपका लिमिट है, जहां तक आप पहुंचेंगे, जहां तक आपका हाइट पहुंचना चाहिए, आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आपका हाइट 5 से 6 इंच कम रहेगा। बट अगर आप एक प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं अच्छा ब्रांड का, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यहां पर मैं कोई प्रोटीन के बारे में नहीं बताऊंगी कि आप इसको लीजिए, आप इसको लीजिए। बस मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक अच्छा वे प्रोटीन परचेस करते हैं, फिर आपका झमेला लगभग पूरा ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास एक अच्छा वे प्रोटीन रहता है, एंड आप अगर डेली 2 से 3 स्कूप कंज्यूम करते हैं, पर स्कूप में आपको 24 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप एक अच्छा वे प्रोटीन लेंगे तो पर स्कूप आपको 27 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। एंड अगर आप सपोज 3 स्कूप कंज्यूम कर रहे हैं, एंड मैं मान रहा हूँ 1 स्कूप में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, फिर आपको 3 स्कूप से 81 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो आपका झमेला सोचो कितना कम हो जाएगा। अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है एंड आपको डेली 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 3 स्कूप वे प्रोटीन से आपको 81 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। बाकी आपको घर का डाइट से भी प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा। एंड अगर आपका बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है जितना चाहिए होता है, एंड साथ में अगर आप एक अच्छा वर्कआउट एंड रेस्ट ले रहे हैं, फिर आपका बॉडी का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर मुझे कोई पूछे ना कि आप एक सप्लीमेंट बताओ जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है फॉर हाइट इंक्रीज, मैं सीधा हाथ उठाऊंगा और कहूंगा वे प्रोटीन। बिकॉज वे प्रोटीन सबसे फायदेमंद होता है हाइट बढ़ाने के लिए, बिकॉज बॉडी का ग्रोथ के लिए आपको चाहिए प्रोटीन, एंड हमारा डाइट में प्रोटीन रहता नहीं है, जिसके वजह से आपका हाइट मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा है। एंड अगर आप वे प्रोटीन के साथ साथ एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले लेते हैं, फिर आपका काम पूरा वहीं पे खत्म हो जाएगा। एंड कार्बोहाइड्रेट तो घर में भर भर के रहता है, रोटी चावल आलू ये सब तो हम लोग खाते रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, फैट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होता है मल्टीविटामिन और आपका प्रोटीन। मैं आप सभी को कहता हूं कि आपको इंटेंस ट्रेनिंग करना चाहिए। तो जब आप इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे तो रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होगा, आप तो ट्रेनिंग कर लेंगे बिकॉज उसमें आपको पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन जब प्रोटीन का बात आता है, लोग प्रोटीन खाते नहीं है, तो जो आपने पूरा वर्कआउट किया वो बेकार चल जाता है, आपका बॉडी रिकवरी नहीं कर पाता है। फिर आपको वर्कआउट करने के बाद जो फायदा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, आपको 0% भी फायदा नहीं मिलेगा जब तक आपका डाइट में प्रोटीन नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रोटीन सप्लीमेंट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये जरूरी नहीं कि आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज दिमाग में आता है कि वे प्रोटीन कंज्यूम करने से क्या साइड इफेक्ट होगा, तो वे प्रोटीन बनता कहां से है? वे प्रोटीन बनता है दूध से। दूध जब फटता है ना तो एक छेना निकलता है और एक पानी निकलता है, तो उस पानी को प्रोसेस करके बनाया जाता है वे प्रोटीन। तो क्या दूध हमारा बॉडी के लिए खराब है? एंड वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल है, आपको डाइजेशन में कोई इश्यूज नहीं होगा,
एंड बहुत क्विकली हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी प्रोटीन चाहिए देन आप वे प्रोटीन पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आपका बॉडी में जा रहा है, आप प्रोटीन खा रहे हैं बट वो आपके बॉडी में यूज नहीं हो रहा, फिर फायदा क्या है। बट अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो हाँ आपको पता हो जाएगा कि इतना मैंने प्रोटीन खाया है एंड ये पूरा काम पे आया है। अगर काम में नहीं आया फिर फायदा नहीं है। तो वे प्रोटीन परचेस कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज है, सबसे अच्छा सप्लीमेंट है जो आपको हाइट ग्रोथ में बहुत फायदा करेगा। बस ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहना चाहिए। तो आप लोग कहना ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।